हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं द सीक्रेट एजुकेशन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और फर्स्ट चैप्टर का हमने पहला वीडियो देख लिया, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है और आज हम तीन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उन केमिकल रिएक्शंस को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम उन केमिकल रिएक्शंस को तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला, या तो हम उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हुआ उसको डायरेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। और जो दूसरा फॉर्म है वो है वर्ड इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे लेकिन वर्ड वर्ड लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था, उसमें हमने मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और इज इक्वल्स टू में हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। और तीसरा जो हमारा फॉर्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, वो होता है केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारा मेन मुद्दा है, आज का मेन टॉपिक है हमारा। क्लियर हुआ? तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। अब जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, या तो वो केमिकल इक्वेशन स्केलेटल हो सकता है या फिर वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो सकता है। और यदि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, बुक निकाल लीजिए और चलिए पढ़ते हैं। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यदि आप बुक निकाल लेते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके स्क्रीन के ऊपर जो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो शो होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर है केमिकल इक्वेशंस। तो यहां पर क्या लिखा है, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन। जब भी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जलाया इन ऑक्सीजन, यानी कि एयर के प्रेजेंस में जलाया, इट गेट्स कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसमें, टू मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, जैसा कि हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था, दिस डिस्क्रिप्शन of a chemical reaction in a sentence form is quite long। अब यदि आप इस पूरे रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में लिखते हो तो ये काफी लंबा हो जाएगा, है ना। इट कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी। अब देखो, सेंटेंस फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है वर्ड इक्वेशन, कि सेंटेंस में ना लिखकर हम उसको वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ड में कैसे लिखा, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एक एरो बनाया इन्होंने। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आया हमारे पास वो आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, अब जो पदार्थ है जो कि केमिकल चेंज हुआ है जिनके अंदर, ठीक है, वो, और ये किसमें हुआ था, एक्टिविटी 1.1 में हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या सब्सटेंस थे, पहला एक मैग्नीशियम था और दूसरा एक ऑक्सीजन था। ठीक है, तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस, अब इससे क्या हुआ, हमें एक नया सब्सटेंस मिला, एक नया पदार्थ मिला। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था। ठीक है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। तो वही चीज ने क्या रखी है, इस साइड रिएक्टेंट्स है और इस साइड प्रोडक्ट है, वही चीज आपको इन्होंने समझाई जो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था आपको। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। बीच में एक एरो डालना है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स जितने भी होते हैं वो LHS में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं विद अ प्लस साइन, और एक से ज्यादा है तो प्लस साइन भी डालते हैं उनमें। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट्स होता है जो बनता है रिएक्शन के बाद उसको हम लिखते हैं RHS में इनकी राइट हैंड साइड में विद अ प्लस साइन। और यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, अब एक्टिविटी 1.1 में तो एक ही प्रोडक्ट बना, लेकिन यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बीच में भी हम प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, बिटवीन देम द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ शो करेगा। ठीक है, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और जो रिएक्शन हो रहा है उसका डायरेक्शन वो एरो दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन,
अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने दो चीज देखा, पहला हमने देखा सेंटेंस फॉर्म में और दूसरा हमने देखा वर्ड इक्वेशन में। अब हम आगे पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा तीसरा चीज है। तो चलिए पढ़ते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या वर्ड इक्वेशन से भी कोई छोटा फॉर्म हो सकता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को दिखाने का? तो हाँ, हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अब जो केमिकल इक्वेशन है वो और भी ज्यादा बी मेड मोर कॉन्साइज और छोटा बना सकते हैं हम उसको, और भी ज्यादा छोटा और यूजफुल बना सकते हैं इफ वी यूज अ केमिकल फॉर्मूला, यदि हम एक केमिकल फॉर्मूला यूज करें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की जगह। यानी कि अब हम वर्ड भी नहीं लिखेंगे, सेंटेंस भी नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। हाँ भाई, पता है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो जो हमने एक्टिविटी 1.1 में रिएक्शन किया था उसको हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब यहां पर देखो, एरो के इस साइड में और एरो के इस साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें जितने एटम्स हैं, ठीक है, क्या वो प्रोडक्ट साइड वाले जितने एटम्स के बराबर है, इक्वल्स टू है? चलिए एक बार चेक करते हैं कैसे। देखो यहां पर सबसे पहले देखो, रिएक्टेंट साइड Mg लिखा है, तो इस साइड Mg है, 1 है, और उस साइड भी Mg 1 है, चलो ठीक है। प्लस में फिर O2 है यहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है यहाँ पर। लेकिन आप प्रोडक्ट साइड देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। क्लियर हुआ? मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, और जो भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होता उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर हुआ? हमने दो चीजों के बारे में बताया था कि एक स्केलेटल इक्वेशन होता है और दूसरा बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। तो जो भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होता है उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और जो भी बैलेंस्ड होता है उसको कहते हैं हम बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस्ड मतलब कि दोनों साइड बराबर एटम्स है। यदि इस साइड ओ के दो है तो इस साइड भी ओ के दो है, ठीक है। अब यहां देखिए हमसे पूछ रहा है कि इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? कि दोनों साइड एलिमेंट के नंबर सेम है? तो नहीं है। इफ नॉट, और यदि नहीं, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2, यहाँ पर देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपके, इक्वेशन 1.2 में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, MgO मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो अब आपको पता चल गया कि स्केलेटल किसको कहते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में, ठीक है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। अब देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मास का जो लॉ है वो क्या है, कि मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। अब देखो इसको कैसे समझोगे आप, इसको ऐसे समझो जैसे आपने क्ले सुना होगा। क्ले क्या होता है, वो जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना क्ले से, घर मिट्टी का, मतलब क्ले एक तरह का मिट्टी होता है, स्पेशल टाइप का मिट्टी होता है, उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मतलब कुछ भी उससे शेप वेप बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो क्ले होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्ले है, ठीक है, इतना सारा क्ले है मेरे पास, और उस क्ले का यूज करके मैंने एक घर बना दिया। मतलब यहाँ क्ले था मेरे पास एरो में, मैंने उसका क्या कर दिया, एक घर बना दिया। तो अब देखो, इस साइड जितना क्ले था उतना ही क्ले इस साइड होगा, यानी कि जितना शुरू में रॉ मटेरियल था, रॉ क्ले था, कुछ भी उसका नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो सपोज करो इधर 100 ग्राम था, तो जब मैंने घर बनाया तब भी वो 100 ही ग्राम रहेगा, बस उसका शेप बदल गया है, ठीक है। तो मास को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आया कि यदि हम कोई रिएक्शन भी कर रहे हैं, जैसे इधर ऑक्सीजन के दो एलिमेंट थे, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो भी क्या आएगा, ऑक्सीजन का दो एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि बाय चांस नहीं होता है, रिएक्शन होने के बाद नहीं होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन का एक एलिमेंट गायब हो गया है, वहां पर दिख नहीं रहा है, तो उसको हमें करना पड़ेगा बैलेंस्ड, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो उसको बना सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना उसको खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन, यानी कि जितना एटम हमारा प्रोडक्ट में है वो इक्वल होना चाहिए किसके, जितना हमारे रिएक्टेंट में था, ठीक है, तो सबके एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए दोनों साइड. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. यानी कि जो भी skeletal chemical equation होगा वो balance नहीं होगा, तो उसको हमें balance करना पड़ेगा. Is the chemical equation 1.2 is balanced? तो अभी हमसे पूछ रहा है कि जो equation 1.2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है इक्वेशन 1.2. तो कह रहा है क्या ये बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ सीधा दिख रहा है ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस साइड O2 है और इस साइड O1 है खाली, ठीक है. तो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं. द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखो इसने क्या लिया है, एक्टिविटी 1.3 लिया है. हमने तीन एक्टिविटी देखा था जिसमें हमने एक्टिविटी 1.1 किया था और 1.2 और 3 हमने नहीं किया था. तो यहाँ पर क्या रहा है कि एक्टिविटी 1.3 जब हमने किया था तो उसमें क्या रिएक्शन हुआ था, एक बार आप नीचे देखो, यहाँ पर क्या है, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया. अब यहाँ पर देखना, जिंक को हम डिनोट करते हैं फॉर्मूले में Zn से, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड ये याद कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड आपके बहुत काम आने वाला है आगे भी. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हम लिखते हैं H2SO4, क्या लिखते हैं, H2SO4, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पर हमने जिंक यानी Zn प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, जब हमने इन दोनों का रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला जिंक सल्फेट, ठीक है. अब यहाँ पर देखना, जो जिंक था वो H2SO4 में से SO4 के साथ रिएक्ट कर गया, तो हमें क्या मिला, ZnSO4, यानी कि इसको हम नाम दे रहे हैं जिंक सल्फेट. और जो हमारा यहाँ पर H2 था वो बच गया, ठीक है, तो उसको हम प्लस में H2 लिख देंगे. अब यहाँ पर देखो हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट मिले हैं, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और हमें क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिला, ठीक है. जिंक ने SO4 के साथ रिएक्ट किया, ZnSO4 बनाया, और जो हाइड्रोजन था वो बेचारा रह गया, तो उसको हमने साइड में लिख दिया, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो है पूरा रिएक्शन हुआ एक्टिविटी 1.3 में. अब देखो, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि थोड़ा हम देखते हैं. अब यहाँ पर आप देखो दो साइड है हमारे पास, ठीक है. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Zn एक है, और राइट हैंड साइड में Zn, हाँ इधर भी एक ही है, ठीक है. और उसके बाद हम देखते हैं प्लस में H2. अब जो हाइड्रोजन है उसके दो एटम्स हैं, कौन से साइड, LHS साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड. और जो राइट हैंड साइड है उधर हम देखते हैं, हाँ इधर क्या है, इधर भी हाइड्रोजन के दो ही एलिमेंट है, तो ठीक है, Zn बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. अब हम देखते हैं SO4, तो इस साइड आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड SO4, ठीक है, S एक है, इधर भी एक है, O इधर फोर है, फोर एटम्स हैं O के. और इस साइड आप देखोगे इधर भी O के फोर एटम्स हैं, मतलब ये जो इक्वेशन हुआ हमारा, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन. ये कोई स्केलेटल नहीं है, ये है एक बैलेंस्ड, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लियर हुआ. अब इसमें आगे देखो, आगे इन्होंने क्या रखा है कि हम बैलेंस करते हैं, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. इसने हमको एक केमिकल इक्वेशन दे दिया. अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या दे रखा है इन्होंने, Fe मतलब होता है आयरन, लोहा, ठीक है, H2O क्या होता है, पानी, लोहा. और पानी को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, रिएक्शन होगा उन दोनों के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, Fe3O4, इसको कहते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि इसी को कहते हैं जंग लगना, ठीक है. यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि जंग लगने का रिएक्शन क्या है, मतलब जंग लगने का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, Fe3O4, ये क्या होता है, जंग लग गया, ठीक है. और प्लस में H2, हमें क्या मिला, जंग लगा हुआ लोहा मिला, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मिला, तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, ठीक है, और जो लोहे में जंग है वो लगा रहेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर देखोगे आप, इस ये चीज बैलेंस्ड नहीं है. कैसे नहीं है, इस साइड देखो, LHS साइड देखो, आयरन के सिर्फ एक ही आइटम है, लेकिन जब आप RHS साइड देखोगे तो आयरन के तीन एटम्स हैं, Fe3 लिखा है,
ठीक है, जिसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं बैलेंस करने के, ठीक है, पता नहीं 5, 6, 7, 8 बहुत सारे स्टेप्स में इन्होंने समझा रखा है कि एक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको हम ये फालतू के स्टेप्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो इसको क्या है, हम अपने समझदारी से करेंगे, ठीक है, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? तो कॉपी पेन निकाल लो आप और मेरे साथ करना स्टार्ट करो। अब देखो हमने एग्जाम्पल ले लिया है, सबसे पहले इस साइड देखोगे आप, देखो बैलेंसिंग करने के लिए कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले आयरन इस साइड एक ही आइटम है, ठीक है, आयरन के एक ही एटम्स हैं इस साइड, और उस साइड देखोगे आप आयरन के यानी कि एफ ई के 3 एटम्स हैं, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, आयरन को 3 बनाने के लिए आयरन के जस्ट पीछे 3 लगा देंगे, तो इधर 3 आयरन हो गया, 3 Fe हो गया, और उस साइड भी Fe3 हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लस में H2 है, तो इस साइड H2 है यानी कि H के 2 एटम्स हैं, और उस साइड आप देखोगे उधर भी H के 2 एटम्स हैं, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं O, तो O इस साइड एक ही एटम है O का, और उस साइड देखोगे आप O के 4 एटम्स हैं, तो हमें 4 बनाना होगा इस साइड, तो इसीलिए हम क्या करेंगे H से पहले 4 लगा देंगे, ठीक है, H2O से पहले 4 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, जब हमने 4 लगा दिया तो हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, तो जो हाइड्रोजन है वो मल्टीप्लाई होके 8 एटम्स हो जाएगा, तो क्योंकि इधर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो चुके हैं तो उस साइड में हमें 8 करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम H2 के पहले 4 लगा देंगे प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन के 8 हो चुके हैं, इस साइड भी हाइड्रोजन के 8 हो चुके हैं, ऑक्सीजन का क्या है, इस साइड 4 है तो इस साइड भी 4 है, ठीक है। अब इस साइड देखोगे आप आयरन का 3 है तो इस साइड भी आयरन के 3 है, तो अब ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस्ड हो चुका है। अब क्योंकि हमने जो जंग लगने का रिएक्शन था उसको हमने बैलेंस कर लिया, तो हम थोड़ा सा बुक पर आते हैं। बुक में आप जो पेज नंबर 5 है वो निकाल लो, उसमें स्टेप 7 देखो, स्टेप 7 लिखा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज है, यदि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका फिजिकल स्टेट लिखते हो, ठीक है, जैसे अभी अभी हमने जो बैलेंस किया है इक्वेशन उसमें क्या था, आयरन था। अब आयरन क्या होता है, लोहा, लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, तो आप ब्रैकेट में यदि एस लिख देते हो, एफ ई के ब्रैकेट में एस लिख देते हो सॉलिड, तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के सामने कि हाँ इसको पता है कि वो क्या चीज रिएक्ट कर रहा है लोहा को, और प्लस में H2O। अब मैंने आपको कहा था जंग कब लगता है, जंग लगता है ह्यूमिड में, ह्यूमिड मतलब क्या होता है, वाष्प, वाष्प मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है, और पानी वाष्प कौन सा पानी होता है, जो हवा में उड़ जाता है, ठीक है, जो हवा में मौजूद रहता है, जैसे बारिश का दिन हो गया, ह्यूमिड कहते हैं जिसको, ठीक है, नमी कह सकते हैं आप उसको हिंदी में, नमी कहते हैं। तो जो H2O है यदि वो गैस के फॉर्म में, H2O आपको भी पता है पानी होता है, ठीक है, लेकिन यदि H2O गैस के फॉर्म में है तो आप उसको ह्यूमिड कहोगे, ह्यूमिडिटी कहोगे, ठीक है, लेकिन यदि वो गैस के फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो वाटर है, ठीक है, तो H2O लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है और H2O गैसियस फॉर्म में वेपर या फिर आप ह्यूमिड कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी कोई भी आयरन ह्यूमिड हो जाता है, ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, H2O के कॉन्टेक्ट में आता है, कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो अब यहां पर क्या है, आपको यदि आप एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हो कि लोहा जो है वो सॉलिड है, H2O जो है वो गैसियस है, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा जो कि सॉलिड होगा, ठीक है, प्लस में H2 गैस मिलेगा यानी कि हाइड्रोजन मिलेगा, वो गैस होगा, यानी कि यदि ब्रैकेट में हम उसका लिख रहे हैं कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, तो एक टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं होता है, यदि आपको क्वेश्चन में क्या रखा है तो वहां लिखो, लेकिन यदि क्वेश्चन में नहीं कह रहा तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो लिखा है, केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है जो इक्वेशन 1.9 आया जो हमने अभी बैलेंस किया है, उसमें क्या हमें कहीं भी फिजिकल स्टेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट में कुछ लिखा ही नहीं है सभी रिएक्टेंट्स के सामने, तो नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट दियर फिजिकल स्टेट, कुछ भी नहीं मिला हमें। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना दे,
ठीक है, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड, मेंशन्ड मतलब वहां पर हमें दिखाना पड़ेगा अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के साथ हमें वहां पे फिजिकल स्टेट यदि हम दिखाते हैं तो वो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा जो केमिकल इक्वेशन हुआ है हमारा, द गैसियस लिक्विड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो गैसियस मतलब गैस, लिक्विड मतलब वाटर, एक्वस क्या होता है गाढ़ा, जैसे दही होता है ठीक है उसमें क्या होता है पानी भी होता है और थोड़ा गाढ़ा भी होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सअप होता है एक्वस एंड सॉलिड, और सॉलिड तो आपको पता ही है। स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशंस, नोटेशन हम ब्रैकेट में देते हैं हमेशा, गैस को जी लिखते हैं और लिक्विड को एल लिखते हैं और एक्वस को ए क्यू लिखते हैं एंड सॉलिड को एस लिखते हैं। ठीक है, द वर्ड एक्वस इज रिटर्न इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, तो उसने वही बता रखा है जो एक्वस होता है वो क्या होता है वो वाटर और सॉलिड का मिक्सअप होता है, वही चीज ने बता रखा। तो अब यहाँ पर देखो जब हमने उनके फिजिकल स्टेट्स लिख दिए तो जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा कि 3Fe ब्रैकेट में सॉलिड है ये प्लस में 4H2O ये गैस था हमें पता है और हमें क्या मिला Fe3O4 मिला सॉलिड मिला, अब लोहा सॉलिड ही रहेगा प्लस में 4H2 ये क्या हो गया गैस हो गया ब्रैकेट में, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस था वो उड़ गया हवा में। ठीक है, अब नोट दैट द सिंबल जी इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, यानी कि यदि H2O के सामने जी लिखा है तो वो क्या है एक स्टीम है, स्टीम मतलब वाष्प होता है। ठीक है, और यदि H2O के सामने L लिखा रहता तो वो वाटर होता। क्लियर हुआ, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, जब तक वहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हाँ आप फिजिकल स्टेट लिखो तब तक फिजिकल स्टेट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस such as temperature, pressure, catalyst, etc. where the reaction are indicated above and below the arrow in the equation, for example. देखो जैसे कभी कभी क्या होता है, अब फिजिकल स्टेट तो हमने लिखा है ठीक है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं एरो जो होता है ना उसके ऊपर या फिर नीचे हम क्या लिख देते हैं कि वो जैसे मैग्नीशियम के केस में क्या हुआ था, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ था, हमने उसको दिया था हीट, जलाया था ना हमने उसको, हीट एनर्जी दी, तो आप एरो के नीचे हीट लिख सकते हो कि हीट एनर्जी दिया तब जाकर हमें एक प्रोडक्ट मिला। क्लियर हुआ, अब यहां पर देखो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले हैं। आपने तो सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे खाने में क्या खाते होंगे कभी सोचा है, नहीं, देखो पेड़ पौधे क्या है वो ग्लूकोज लेते हैं हमारी तरह। ठीक है, अब जो पेड़ पौधे वो आपको भी पता है वो क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसको हम CO2 कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी में से छोड़ा जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और वो किसके लिए फायदेमंद होता है पेड़ों के लिए, और जब पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना खाना बनाते हैं ठीक है तो उनका भी एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं और वही ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, यानी कि यदि पेड़ है तो हम हैं और हम हैं तो पेड़ हैं। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है वो थोड़ा हम फॉर्मूले के तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ नजरे गड़ाओ आप स्क्रीन पे, यहाँ लिखा है 6CO2, यानी कि CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये देखोगे यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 6CO2 देखो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो AQ के फॉर्म में है। AQ के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि जब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है तो वो डायरेक्ट तो उसके पास क्या होता है वाटर होता है पहुंचाने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, तो वाटर के साथ जब वो गैस मिल जाता है तो वो AQ बन जाता है, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर AQ लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमने प्लस किया है 12H2O ठीक है वाटर। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले खाना, पेड़ों के लिए खाना। अब आपको भी पता है कि जो पेड़ है वो सनलाइट के मौजूदगी में ही खाना बना सकते हैं, दो चीजें उनको नेसेसिटी होती है, एक होता है क्लोरोफिल और दूसरा होता है सनलाइट। ठीक है, एक सनलाइट होना चाहिए और एक क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, वो जो पेड़ पौधों में एक
विशेष टाइप का एक केमिकल सा होता है, ठीक है, वो ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तों का रंग है वो ग्रीन होता है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दो चीजें हमें चाहिए, पहला क्लोरोफिल चाहिए और दूसरा सनलाइट चाहिए, ठीक है। देखो हमने चार चीज देखा यहाँ पे, क्या क्या देखा, पहले हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमने लिया वाटर, फिर हमने लिया सनलाइट, फिर और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब जब ये सब रिएक्शन हुआ चारों को मिलाकर, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलता है C6H12O6 और इसी को कहते हैं ग्लूकोज। यदि आपसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है तो आप बोल सकते हो कि C6H12O6, क्लियर हुआ। और ये भी एक ही होता है, प्लस में हमें मिलता है 6O2, ठीक है, यानी कि O2 मिलता है जो कि एक्वस है। अब देखो O2 होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, पेड़ पौधे छोड़ देते हैं हवा में, वातावरण में छोड़ देते हैं, जो कि हम लोग ले लेते हैं, क्लियर हुआ। उसके आगे लिखा है 6H2O, अब इसके साथ साथ वो वाटर भी छोड़ते हैं, तो जो वाटर होता है वो भी वो बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, एक स्पेशल प्रोसेस होता है उसकी हेल्प से वो जो वाटर है उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाता है। खाने में क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के क्या काम आता है, उनके उनके ग्रोथ में काम आता है, फल फ्रूट में वो डालते हैं, तो ये सारे किस चीजों में काम आता है। बाकी जो ऑक्सीजन होता है वो उसको बाहर छोड़ देते हैं, वाटर जो आता है उसको भी वो बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और वाटर नीचे गिर जाता है धरती पर, क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हर एक चीज समझ आई होगी, ठीक है, मैंने लाइन टू लाइन आपको हर एक चीज एक्सप्रेस किया है। यदि अभी भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो यार कमेंट करो, ठीक है, कमेंट में मुझे बताओ सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।